लेकिन इस मिट्टी से मेरा रिश्ता चुनावी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और जिनकी वजह से हमें अवसर मिला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, संत राम बी ए प्रजापति, महामना राम सुवर, और आप भी जानते हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उस तरह की ताकत अभी नहीं बनी। आप ये बताओ, यहाँ समाजवादी पार्टी जो गठबंधन का प्रत्यय प्लस क्या उनके पास, बताओ 6 मानदंड है कुछ, और उनसे ज्यादा 80% में जाहिर है, बताओ है या नहीं है, ईमानदार से बताओ है या नहीं है, बताओ। तो उनके पास क्या है, जितना वोट आप उनको दोगे उनको नहीं देंगे आप, उतना आप भाजपा की मदद करोगे, मेरी बात को आप याद रखो, ठीक है नहीं। यहां तो शुरुआत जो है 60,000 से होगी जाहिद की, कितने से होगी, और जहां जहां इस नीले झंडे लेके खड़े ये तो लट गाड़ देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। आपका आदमी पिक्चर हट सके ये नहीं हट देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। नगीना में ये खड़े नगीना वाले उधर जो काम कर रहे हैं, मैंने इन्हें इस बारे में बुलाया कि मेहनत कर लो, नगीना में इधर तो थोड़ी चूक हो गई थी कि 1,00,000 वोट इधर उधर हो गया था, बाकी इधर दूसरे वाले तो 13,000 पकड़ जाते, लटकी हुई स्थापित नहीं देने किसी को, बस बाकी सारा चंद्रशेखर आजाद का। इसलिए कह रहा हूं मेरी बात को आप याद रखना, आप अपने समाज से हाथ जोड़कर रखना, जिस समाज में पैदा हुआ अगर 900 वोट गिरेंगे नहीं तो 900 के 900 आजाद समाज पार्टी गिरेंगे, मेरी बात को आप याद रखना। इन्होंने सबको मौका देकर देख लिया, इनके जीवन नहीं बदले, चुनाव में लोग आते हैं जीतते हैं अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं, अगर सड़क पर कोई है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं जो जान माल धन सब कुछ लौटा रहे हैं। और फिर भी सुनो, मैं अपने लिए जीता तो इस बार मिनिस्टर बनकर वहां बैठता दिल्ली में, आप समझते हो, ये 4-4 गोली नहीं खाता मैं, मेरी जान के पीछे इस मारो पड़े, इनको पता है कि ये आदमी जिस दिन मजबूत हो गया उस दिन से ये नफरत की सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ इसलिए। और मेरी एक बात और याद रखो, जिस दिन से खिलाफत मूवमेंट के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था ना चीफ गेस्ट, वो देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, मुझे भी नहीं पता था मुंबई में पूरे देश के लोग रहते हैं वहां, जब मुझे बुलाया गया ना उसमें मुख्य अतिथि बुला गया, मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों बुलाया, जब मैं वहां गया तो मुझे पता लगा उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, उस दिन से ही मेरे खिलाफ साजिश स्टार्ट होगी, इस आदमी को किस तरह रोक लो, रुकने का नहीं, ना रुकूंगा ना बिकूंगा ना झुकूंगा, बाड्डा पार करूंगा इस बार दिल्ली तक, मेरी बात को याद रखना। किसी दर्जा सेठ के औलाद नहीं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूं, इस पश्चिम का हूं, हम अगर एहसान किसी का लेते हैं तो जड़ सुद्धा ताड़ते हैं, ठीक है, अगर कोई हमारे लिए 1 कदम चलता तो 100 कदम चलते हैं, मेरी बात को याद रखना। हम किसान लोग हैं, हम तो बीज देख के बता देते हैं कि नस्ल फसल कितनी जोर की होगी, मैं आपको आज कह रहा हूं सबको साथ लेके चलेंगे, और आपकी भी जिम्मेदारी है, आप सब के हाथ जोड़कर सबसे कहना कि भाई मौका दो। और जाहिद आप याद रखना, आप ये आर्यमान चौधरी आ गया मेरा छोटा भाई जो है, मेरी बात को याद रखना, आप पहले मैं लूंगा आजाद समाज पार्टी के, मेहनत करके लग रहे हो, हाथ जोड़कर रखो बस लोग आके, ठीक है, आपको रोकने के लिए एड्डी चोटी के वकील साहब खड़े पीछे, एड्डी चोटी के जोर लगा लें, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ गए नहीं समझ गए भाई, बताओ जाहिद की मदद करोगे नहीं करोगे, ईमानदार से बताओ, अपने आप निकल के लोगों से अपील करोगे नहीं करोगे बताओ, इतने लोग जोड़ने खातर नहीं 1,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उन्हें, जिम जाकर बैठे हैं उनके इतने लोग आके, मेरी बात को याद रखियो भाई, आवे क्या बताओ ईमानदार से, और अगर एक आवाज लगा दी, याद है नहीं आपके मोर्चे में एक आवाज लगा दी नहीं तो ये अपने से 20 गुना लोग लेके मेरी एक आवाज पर दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप इन्हें जानते नहीं हो, मैं इन्हें जानता हूं, ठीक है, ये गरीब लोग हैं, ये तो लकीर के फकीर हैं, इनके साथ तो धोखा हुआ आज तक, इनकी वोट लेते हैं लोग और मौज काटते खड़ा सज्जे, इनकी गेल तो धोखा है, हाँ बस समझ जाओ, समझदार हो आप लोग, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके अपने बच्चों का भविष्य क्या है 5 साल बाद, अपने आने वाले कल में क्या है, औरों को मौका तो मिलेगा 27 में और आपको मिल गया मौका 24 में, इतनी जोर से केतली का बटन दबाना, इधर केतली का बटन दबेगा करंट लखनऊ में जाके लगना चाहिए। और मैं तो जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, घर से बाहर निकलो, ये चुनाव जाहिद नहीं लड़ रहा, जाहिद तो चेहरा है, ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो, ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद के मान सम्मान का चुनाव है, रविंद्र भाटी के मान सम्मान का चुनाव है, ये मनीष प्रजापति के मान सम्मान का चुनाव है, ये बताने का चुनाव है कि सिर्फ अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और गरीब भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, ये बताने का समय।
बाबा साहब अंबेडकर ने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया था। इसलिए बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, घर से निकलो, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है और आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, मैं लिख कर देता हूं, एक मौका देकर दिखा दी तो शुरुआत है। आप मौका देना 2027 में, अगर आपका बच्चा बेरोजगार रह गया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, इस बात को आप याद रखें कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको आज भी इंसान नहीं माना जा रहा है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो रोटी कपड़ा मकान के भी मोहताज है, और ये घर इस बात की गवाही दे रहे हैं। आप अपनी गर्दन उधर करके देखो, आपको पता लगेगा, जहां अमीरों के जानवर भी नहीं रहते, उस ऐसी जगहों पे गरीबों को अपना जीवन जो है यापन करना पड़ रहा है। एक माँ मिली थी अभी थोड़ी दूर पीछे, यहां साथ होगी, उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, हाथ में फूल थे, जहां वो खड़ी हुई थी वहां खूब कीचड़ था, देख के तो बड़ी तकलीफ होती है कि क्या कर दूं, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं। लेकिन मैं समझता हूं जिस उम्मीद से हम लोग काम करें, जिस उम्मीद से हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, मैं जिला कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, दोनों संगठनों की और भाई रविंद्र भाटी जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी बात पर पहरा देके मुझे ताकत देने का काम किया है। आज हमारे बीच में ये जो कार्यक्रम है, ये कुछ दलों के लिए सिर्फ ये चुनावी कार्यक्रम है कि वोट डालने हैं और परिवर्तन करना है या उन्हीं हालातों में रहना है जिनमें रहना है, लेकिन हमारे लिए ये जंग है। हालात बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी से हमें सबसे बड़ा हथियार दे गए, वो है हमारी वोट। ये वोट जब तक हमारे पास है तब तक बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धरना से चुनाव के बीच हमारी बस्तियों में आके हमारे पैर पकड़ के और हमसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमें दादी, हमारी घर की महिलाओं को दादी, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या, भाई, चाचा, ताऊ, दादा बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल कोई हमारी बस्तियों में दिखाई नहीं देगा, गरीबों की बस्तियों में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग तो क्या कर रहे हैं, जो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, उन्होंने 27,000 स्कूल बंद करने का अभी नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 27,000 स्कूल बंद करेंगे। आप ईमानदारी से बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का, किसी अमीर का तो नहीं जाता। बाबा साहब ने क्या कहा हमें, हम बारह बाबा साहब ने हमें पहला नारा ही क्या दिया, शिक्षित बनो। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो 400 रुपए की मजदूरी करके क्या अपना घर बना पाएगा 10 साल में, 20 साल में, क्या 4 रुपए गाड़ी ले पाएगा? मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। वो ये चाहते हैं कि हम गुलाम बन के इस देश में जिए, और हम ये चाहते हैं कि हम गुलामी की बेड़िया काट के इज्जत की जिंदगी अपने लोगों को दे, हर आदमी को दे, जिसे उनका अधिकार रहता है। हम सबके लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, महिला बहनों के लिए लड़ते हैं, पहलवानों के लिए लड़ते हैं, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, हर आदमी के लिए लड़ते हैं जिस पर जुल्म होता है, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा, क्योंकि हमारे गुरु और संतों महापुरुषों ने हमें सिखाया है। और हम अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। आज मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, भाई अमरेश जी की प्रतिमा लगी है, प्रतिमा कहीं लगे तो उसका सम्मान होना चाहिए, उस पर एक छतरी लगनी है। मैं ये, मेरी हैसियत इतनी नहीं है लेकिन मेरी तनख्वाह है, मैं अपनी तनख्वाह से छतरी को लगाऊंगा, इस बात का मैं आप लोगों से वादा करूंगा। अपनी तनख्वाह से, किसी का नहीं, कोई जिंदाबाद, ये मेरा काम, मैं तो जो करना चाहता हूं शहीदों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वो मैं करके दिखाऊंगा, आज मेरी हैसियत नहीं है वो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मुझे ताकत दोगे इस लड़ाई को लड़ने की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता। अभी मदरसों को बंद करने की बात हो रही, ये भी स्कूल है, ये भी, इनको भी स्कूल से अलग मत समझो, ये भी स्कूल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको ऑर्डर दिया कि भाई ये गलत कर रहे हो, आप ये मत करो, इन सरकारों का बस चले तो ये हमसे रोटी खाने की वो छीन ले। अब ये जो है बस स्टैंड जो इनको प्राइवेट कर रहे हैं, उनको निजी हाथों में दे रहे, क्या होगा? बस का किराया हो जाएगा, जहां आज 10 रुपए वो हो जाएगा 40 रुपए, गरीब नहीं कर सफर कर पाएगा। रेलवे इन्होंने निजी हाथों में दे दी, जब ये रेलवे, बस, तमाम चीजें, पोर्ट, एयरपोर्ट निजी हाथों में चले जाएंगे तो यहां गरीब नहीं घुस पाएगा। ये सिर्फ इनका एकमात्र लक्ष्य है कि गरीब को इतना ना छोड़ दो कि वो किसी हालात में ना रहे। हम तो एक दो पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, सबसे जरूरी एजुकेशन इतनी सस्ती करेंगे, इतनी आसान करेंगे कि मजदूर का बेटा भी, गरीब का बेटा भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई बिल्कुल बहुत कम पैसे में ले सके, कि उसके उसके पापा को जो है अपने अपना मकान गिरवी ना रखने पड़े, अपनी जमीन
गिरवी ना रखनी पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से उसको अवसर मिले, और हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा करेंगे कि गरीब का इलाज भी बहुत कम पैसों में, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी 100-200 रुपए में हो जाए, कि उसकी जेब से कुछ लगे भी ना और उसकी जान बच जाए। हम तो देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, ये जितनी देर मैं बोल रहा हूं इतनी देर में तो मैं शुरू भी नहीं होती, इतनी देर तो मैं नाम ही लेता रहता हूं। हमारे मनीष भाई बैठे हैं, मोनिस भाई बैठे हैं, कामरान भाई बैठे हैं, सतीश भाई बैठे हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, पीताम्बर साहब बैठे हैं, तमाम दिगम भाई बैठे हैं, इतनी देर तो मैं नाम ही लेता रहता हूं जितनी देर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कई कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं, एक मौका आप हमें दो इस क्षेत्र की सेवा, कोई बुरा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं बाकी प्रत्याशी बुरे, आरएलडी का प्रत्याशी बुरा नहीं, मैं उसको बुरा नहीं कहता क्योंकि हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया, गठबंधन का प्रत्याशी वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए कितने अच्छे हैं आप तोल के देख लो, क्योंकि आपने उनको पहले मौका दे रखा है। बताओ दे रखा है नहीं दे रखा है? कभी चुनाव के बाद 5 साल मिले आपको? 5 साल 5 दिन आए खत्ते हैं जो 15 लाख का कहते हैं। हाँ बस समझ जाओ, समझदार हो आप लोग। सुनो ये नगीना के लोग खड़े, वो शोरा वाले सारे डरा दिए, वहां के विधायक जी ने मंत्री जी ने कहने लगे बस्ते रखवा देंगे, हमने कहा हम देखा कौन रखवागा बस्ते, ये भी चंद्रशेखर आजाद है, बस्ता जी रखा जाएगा जिनका सांसद नहीं होने का, याद रखे मेरी बात, ठीक है भाई? डरो मत, एक बार मौका मिला है डरो मत, हिम्मत कर, आगे अपने आप वोट मांगो, कर लोगे नहीं कर लोगे? अच्छा एक और बात, वोटिंग परसेंटेज बताओ पूरा रहेगा नहीं रहेगा सारा? ऐसा तो नहीं है भाई वो जा रहा मैं तो घर पर जाऊं, टूट तो नहीं होने देने के? बड़े बड़े नेता होंगे लंबे लंबे कुर्ते वाले, कोई हेलीकॉप्टर वाला होगा, कोई जहाज वाला, पक्का रख लोगे नहीं रख लोगे इलाज? चलो फिर ठीक है।